हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कोरोना पीरियड में अच्छे होंगे। अपनी क्लास चल रही है ऑनलाइन, मिनट 5 एनिमल वेलफेयर। तो लास्ट क्लास थी, उसमें अपने वर्किंग एनिमल वेलफेयर का डिस्कस किया था। नाउ आज जो अपन लेंगे वो पेट एंड कंपेनियन एनिमल वेलफेयर, पेट एंड कंपेनियन एनिमल वेलफेयर। जो पेट एनिमल होते हैं, जो अपने साथ में रखते हैं, कंपनी जो भी एनिमल होंगे उनके साथ में एनिमल वेलफेयर जो लागू होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। किस तरह से उसको रखना है, कैसे उनका साथ में पेश आना है, ये सब कुछ अपन एनिमल वेलफेयर के अनुसार ही उनके पेश आते हैं। While some lucky animal companions are treated as members of the family, as they should be, many offers experience nothing but suffering, abuse, and sadness. Training dogs is one of the cruelest punishment for social animals who need and deserve companionship, exercise, and mental stimulation. Birds don't belong to cages either, but lonely denied the opportunity to fly or strengthen their wings and deprived of companionship, many birds become neurotic, pulling out of their own feathers, bowing their heads and incessantly and repeatedly picking at the bars of their cages. Cruel, unnecessary surgery that are reformed on dogs, including ear cropping, tail docking, and de-picking, are so painful and traumatic to dogs that they are banned in many countries. Hoarding of animal exist in virtually community formally referred to as a collectors and regarded as well as internet people where we have our demand by the animal or population crisis and 100 odd seen in a very different light. Animal जो होते हैं, जो पेट्स यानी कंपेनियन वेलफेयर के अंदर अभी अपने जो पढ़ा उसके अंदर
जैसे भी उनको पेश किया जाता है, एनिमल जो वेलफेयर ट्रीटेड मेक्स जो फैमिली इज द मैनी ऑफर्स एक्सपीरियंस नथिंग विद सफरिंग एब्यूज एंड सैडनेस। जो एनिमल्स अपन रख रहे हैं वो किसी भी प्रकार से सफरिंग एब्यूज एंड सैडनेस नहीं होने चाहिए, एकदम हेल्दी एंड केयरफुल होने चाहिए। चेनिंग डॉग इज वन ऑफ द क्रूएल, जो अपन डॉग्स को चेन्स में 24 घंटे रखते हैं बांध के, वो भी एक तरह से उसके साथ में क्रूएल हो रहा है, इसलिए वो भी उसको भी अपन ऐसे चेन के साथ में नहीं रख सकते। साथ ही उसके साथ में बहुत से जो कंपेनियनशिप एक्सरसाइज है एंड मेंटल जो स्टिमुलेशन होता है वो भी समय समय को। हाँ जी, बैड बर्ड्स डोंट बिलोंग टू कॉजेज आइदर बोर्ड डिजाइन एंड अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई। जो बर्ड्स को भी अपन ने केजेज में बंद करके रखते हैं वो भी जो एनिमल वेलफेयर है वो अलाउ नहीं करता, उनको भी एक जिंदगी जो फ्लाई है उसकी वो होनी चाहिए, उसका जो नेचर होता है उसको कैद करके नहीं रख सकते। इसी प्रकार से जो क्रूएल अननेसेसरी जो सर्जरी दैट आर रिफॉर्म्ड ऑन डॉग्स इंक्लूडिंग ईयर क्रॉपिंग टेल डॉकिंग एंड डीबार्किंग आर जो पेनफुल एंड ट्रेमेटिक डॉग्स दैट बैंड इन मैनी कंट्रीज। जो एनिमल वेलफेयर जो अपन डॉग्स को कई बार उसकी जो टेल डकिंग कर देते हैं, डिपार्किंग करते हैं उसको, मतलब को रोकने नहीं से उसका मुंह बंद करते हैं, एंड जो ईयर कटिंग होती है वो भी करते हैं, ये सब पेनफुल होते हैं। जो पेनफुल एनिमल्स के साथ में जो सिचुएशन होती है वो एनिमल वेलफेयर अलाउ नहीं करता, इसलिए वो भी उस पर भी बैन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी कंडीशन नेचर ने दिया है उसको उसी तरह से हेल्दी रखना चाहिए, यही एक एनिमल वेलफेयर। होर्डिंग एनिमल्स एग्जिस्ट इन वर्चुअली और क्राउडिंग कम्युनिटी फॉर्मली रेफर्स टू द एज ए प्रोडक्टर्स रिगार्डेड एज वेल एज एंटरटेन पीपल हु आर और क्लेम बाय द एनिमल और पॉपुलेशन या क्राइसिस 100 आर आउटसिंग इन द वेरी डिफरेंट लाइफ। तो इस तरह से जो एनिमल्स को अभी अपने किया है कि जो पेट एंड कंपेनियन एनिमल का किस तरह से रखा जाए, तो इस तरह से इन बातों का जो अपन पेट एनिमल्स होते हैं, चाहे बर्ड्स हो, चाहे डॉग्स हो, चाहे कैट हो, चाहे अदर एनिमल्स हो, उसके साथ में अपन किस तरह से पेश आ रहे हैं वो एनिमल वेलफेयर के अनुसार ही उसको रखना होता है। नाउ एनिमल वेलफेयर ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेटेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एनिमल वेलफेयर एनिमल वेलफेयर ड्यूरिंग ड्यूरिंग नेचर डिजास्टर नेचुरल क्लाइमेटिक एंड डिजास्टर
नेचुरल क्लाइमेटिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एनिमल वेलफेयर ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेटिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जो नेचुरल जो क्लाइमेटिक की एनिमल्स के साथ जो प्रॉब्लम होती है, तो एनिमल जो वेलफेयर के अनुसार उनको नहीं होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट उसी तरह से उनको करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेफ्टी ऑफ पेट्स ड्यूरिंग स्टॉर, सेफ्टी क्या सेफ्टी अपनी कहें, सेफ्टी ऑफ पेट्स सेफ्टी ऑफ पेट्स ड्यूरिंग स्टॉर। स्टॉर जो बहुत सारे जो आंधी तूफान जो चलते हैं स्टॉर्म होते हैं, तो वो पेट एनिमल्स को किस तरह से सेफ्टी करनी है, सेफ्टी और पेट्स ड्यूरिंग स्टॉर्म। पेट्स नीड स्पेशल अटेंशन ड्यूरिंग स्टॉर्म, कीप कैट्स इंडोर्स ऑल डे एवरी डे ऑल ईयर। जो पेट्स एनिमल्स होते हैं वो उनको आवश्यकता होती है अटेंशन ड्यूरिंग स्टॉर्म की। जैसे कैट्स को रखते हैं अंदर रखना चाहिए, बाहर नहीं रखना चाहिए, जो अपन ऑल लॉन्ग डे भी रख सकते हैं या सकते हैं। ड्यूरिंग द मानसून सीजन कीप डॉग्स इंडोर्स, जो मानसून सीजन के अंदर डॉग्स को अपन इंडोर्स में ही रखना चाहिए, बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो रेनफॉल होती है उससे प्रॉब्लम हो सकती है। थंडर ईजली फ्राइटन मैनी डॉग्स दैट माइट डिक और जम्प फ्रॉम द यार्ड टू एस्केप। हाई विंड कैन बिलो ओपन गेट्स नॉक और फेंसेज एंड एवन टॉपल ब्रिक वॉल मेकिंग इट ईजी फॉर इट डॉग टू रन अवे। Be sure your pets are confined safely indoors when you leave in the morning. Many storms roll in late in the day when people are at work. Violent storms can crop up quickly. अपन इस तरह से श्योर हो जाएं कि एनिमल्स को अंदर रख दिया, इंडोर्स कर दिया, तो अपन मॉर्निंग में उसको थोड़ा लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं उसको, कि भाई रात के समय जब उसको इंडोर कर दिया या जो भी नेचुरल क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम होती है उस समय इंडोर कर दिया, बाद में उसको अपन रिलीज कर सकते हैं। कंफाइन पेट्स टू ए सेफ सिक्योर रूम, टर्न ऑन द टीवी और ए रेडियो टू हेल्प ड्राउन आउट स्केप नॉइज, मेक्स श्योर पेट्स हाउस वाटर बेडिंग एंड फेवरेट टुडे। बी श्योर ऑल पेट्स हैव ट्रेंट आइडेंटिफिकेशन इन केस द रन अवे। रिकमेंडेड ए माइक्रोचिप्स कंप्लीमेंट बाई ए कॉलर एंड
आई टैक्स। अगर जो अपन ये भी जो पेट एनिमल्स के साथ में माइक्रोचिप्स वगैरह तो साथ में सेट कर सकते हैं, उसके द्वारा अपन को ये भी नॉलेज होता रहता है कि वो सिक्योर है या नहीं, तो इस तरह से भी अपन मैनेजमेंट में इंक्लूड करना चाहिए। द आई डी टैक्स शुड बी इंक्लूड टू टेलीफोन नंबर सच एज ए होम नंबर एंड वर्क पेजर्स और सेलुलर नंबर। जो टैग नंबर होते हैं तो उसको अपन जैसे टेलीफोन नंबर के हिसाब से या सच होम या नंबर एंड और पेपर या सेलुलर नंबर के हिसाब से भी अपन उसको रख सकते हैं। इफ़ यू हैव रिसेंटली मूव और चेंज फोन नंबर बी श्योर टू अपडेट आल टैक्स। नंबर जैसे चेंज होते हैं या मोबाइल या टेलीफोन नंबर, तो उस हिसाब से उनके टैक्स भी अपडेट करते रहना चाहिए। थंडर एंड ब्लोइंग विंड कैन स्केप एवन द ब्रेवेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड दे यूजली ट्राई एंड एस्केप यूजली अंडर द बेड और बिहाइंड द क्लोज्ड, बट दे मे बी सम पेट्स दैट सफर फ्रॉम स्टॉर्म एक्टिविटी। द सिम्टम्स कैन इंक्लूड बाइटिंग एक्सेसिव चीविंग हाइडिंग या पुलिंग आउट ऑन हेयर एंड शेकिंग। द केज मे बी ए मिल्ड वन बट दी आर केजेज वेयर इट इज टर्न सेवर विच इज why it needs to be effectively taken care of। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो अपने पेट एनिमल्स में आ जाते हैं, जैसे वो बाइटिंग या एक्सेसिव च्यूइंग करता है या बाइटिंग करता है या हीडिंग करता है या पुलिंग आउट करता है, हेयर चेकिंग करता है, तो इन केस ऑफ ई माइल्ड वन दे आर कैच वेयर इट टर्न सेव विच कुछ न कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ में, तो उसके लिए भी अपन अच्छी तरह का केयर एंड मैनेजमेंट करना चाहिए टाइम टू टाइम। सम ब्रीड्स ऑफ डॉग्स आर मोर प्रोन टू क्रोनिक एग्जैक्टली नेमली बुलडॉग्स जर्मन शेपर्ड डेल्मेटियन एंड मोस्ट ब्रीड्स ऑफ टेरियर। देयर आर मैनी एंटी एनोसिटी डॉग अवेलेबल विथ वेट्स एंड दैट कैन हेल्प केस द फियर एंड स्ट्रेस। टू मेक श्योर योर पेट has proper identification so that if he runs away you can get him back safe and sound। disasters such as hurricanes, tornadoes, flood don't just affect people, they also affect pets and other animals। बहुत सारे जो नेचुरल क्लेमिटीज हैं या थंडर्स हैं या स्टॉर्म्स हैं या और जो नेचुरल जो प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में होती हैं, तो इसके लिए जो पेट एनिमल्स जो इफेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनका मैनेजमेंट नेचुरल क्लाइमेट के हिसाब से होना।
योर डिजास्टर प्लान शुड इंक्लूड ए लिस्ट ऑफ एमरजेंसी फोन नंबर फॉर लोकल एजेंसी दैट कैन असिस्ट यू इफ डिजास्टर स्ट्राइक्स एंड इंक्लूडिंग योर वेटरनरियन स्टेट वेटरनरियन लोकल एनिमल शेल्टर एनिमल आर एंड कंट्रोल काउंटी एक्सटेंशन सर्विस लोकल एग्रीकल्चर स्कूल्स एंड द अमेरिकन रेड क्रॉस दीज नंबर्स शुड बी केप्ट विद योर डिजास्टर्स किट इन ए सिक्योर बट इजली एक्सेबल प्लेस. तो जो पेट एनिमल्स हो कंपेनियन एनिमल के साथ में जो नेचुरल डिजास्टर हुआ या नेचुरल जो क्लाइमेटीज है उसको मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए वो अपन ने अभी डिस्कस किया. सेफ्टी फॉर पेट ड्यूरिंग स्टॉर्म जो नेचुरल जो स्टॉर्म है उसको किस तरह से सेव करना है वो सब अपन ने अभी नोट किया. नाउ लीगल ड्यूटीज ऑफ द वेटरनरी. एक वेटरनरी की क्या लीगल ड्यूटीज है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. लीगल ड्यूटीज ऑफ द वेटरनरी. Legal duties, legal duties of the veterinarian. Veterinarian. एक veterinarian की क्या legal duties होती है? To make a veterinarian know and recognize his exact duties. Privileges and responsibilities in vitro legal causes both as witness and as the experts. Advocate is very essential that he should have a fair knowledge of all the of veterinary sciences. He must be well acquainted the animal related acts and the legal procedure in the criminal court. Veterinarian has the following responsibilities. जो नेचर वेटरनरी होता है उसकी जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक वेटरनरी की इसके करेंगे कौन कौन सी होती हैं जो फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंडक्टिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द वेट्रो लीगल केस. लीगल केस जो कंडक्ट कैसा करना चाहिए पोस्टमार्टम जो एग्जामिनेशन होता है उसका वेट्रो लीगल कैसे होना चाहिए. Investigations of common offences against animals. एक common जो offences होते हैं उसका जो animal में उनका भी investigations होना चाहिए. Investigations in case of
मेलिशियस एंड एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, जो एक्सीडेंटल होते हैं, मेलिशियस होते हैं, उसका भी इन्वेस्टिगेशन या पॉइजनिंग होता है, वो वेटरनरी को एनिमल्स के साथ में करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस इन केस ऑफ फ्रॉड्स इन द सेल ऑफ लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट, उनका भी इन्वेस्टिगेशन एक वेटरनरी के द्वारा होना चाहिए। जो फ्रॉड्स होते हैं, वो जो सेल और लाइफ स्टॉक को सेल करते हैं और लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड लाइफ स्टॉक को, दोनों को, तो उनका भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर में जो होना चाहिए वो एनिमल वेलफेयर के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। इश्यूंग हेल्थ सर्टिफिकेट और साथ में ही एनिमल्स को उसको इश्यू करना चाहिए कि उसका जो हेल्थ सर्टिफिकेट कि वो एक गुड कंडीशन में है या नहीं। टू गेट द रियल कॉल्प्रिट्स प्रिंसिपल्स एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट टू मैन एंड एनिमल एंड आल्सो टू सेव इनोसेंट पीपल पर्सन फ्रॉम द फॉल्स एक्यूजेशंस ऑफ क्राइम टू प्रिवेंट क्रुएल्टी टू एनिमल्स। एनिमल्स की और एक वेटरनरी की एक नेचुरल जो ड्यूटीज होती है कि क्रुएल्टी टू एनिमल्स को प्रिवेंट करना चाहिए। किसी प्रकार से अगर एनिमल का क्रूर हो रहा है या प्रॉब्लम में है तो उसको सेव करना चाहिए, रोकना चाहिए। एप्लीकेशंस एंड इन्फोर्समेंट सेफ ऑफ लॉ मेंट फॉर एनिमल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स कैटल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ सोसाइटी एट ए लार्ज एंड प्रिवेंट द अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू एनिमल इन द सोसाइटी। जो बहुत सारे जो प्रोटेक्ट नहीं करने चाहिए, कौन से प्रोटेक्ट, जो सोसाइटी ऑफ लार्ज एनिमल अनएथिकल जो प्रैक्टिस करती है उसको भी एक वेटरनरी की ड्यूटी बनती है चलिए तो उनको रोकना चाहिए जो एनिमल किसी प्रकार से सफर नहीं। इनफैक्ट एवरीथिंग इन विच रिक्वेज टू लॉ इन नेसेसरी इन रिलेशन टू द वेटरनरी प्रोफेशंस द एविडेंस इज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। बहुत सारे जो एविडेंस होते हैं उनका रिकॉर्ड करना चाहिए जो एनिमल्स के साथ में होते हैं, एनिमल वेलफेयर के अकॉर्डिंग उसका जो रिकॉर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। एग्जामिनेशन इन चीफ, दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी विच कॉल्स हिम। अगर उसको पार्टी जो पेट एनिमल्स है किसी वोटमैन को कॉल करती है तो उसको तो फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ जो नेस है उसको चेक करना। इन गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन केसेस द प्रोसिक्यूटी इंस्पेक्टर एज ए रूल्स फर्स्ट एग्जामिनेशन द विटनेस टू एलिसिट द प्रिंसिपल फैक्ट कवरिंग द केस। इफ द विटनेस इज समन बाय प्राइवेट पार्टी ही इज फर्स्ट एग्जामिनिंग बाय द प्लेडर्स ऑफ
that party leading institutions are not allowed is APA person strike or fifth estate. The proper forms of the quiescence in a case of an assault are: when did this incident occur? Where you at that time? What did you notice? Now, in that case, the witness will narrate the whole incident of a person it's striking or you hear saw it. Now, cross examination. This may be regarded as the most reliable procedure of testing the value of an evidence and is held by counsel for the accused who tries to elicit facts or demonstrate the possibility of theories not necessarily inconsistent with the evidence the witness has given but helpful to his own case. Leading questions are permissible and witness should be very cautious in answering them. He should not attempt to answer the questions unless they clearly and completely understand them. There is no time limit to cross-examination. जो भी केस होता है एक वेटरनरी की यही ड्यूटी बनती है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय उसको सही ढंग से सही सारी जो पोजिशन होती हैं वो सबको सही ढंग से चेक किया जाए और उसका सही जो रिजल्ट आउट किया जाए, किसी प्रकार का उसके टाइम लिमिट नहीं होता उसमें, वो किया जाए। नाउ री एग्जामिनेशन, द प्रोसिक्यूटिंग द इंस्पेक्टर और काउंसिल हो कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन चीफ हैज द राइट टू री एग्जामिनेश द विटनेस टू एक्सप्लेन अवे एनी डिस्क्रेंसेस दैट मे हैव ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। रीएग्जामिनेशन के समय प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर्स जो होते हैं या एग्जामिनेशन इन चीफ होता है वो राइट वो विटनेस एक्सप्लेन दिस कैंपेनिंग दैट मे हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। The witness should not introduce any new subject without the consent of the judge or opening counsel. Rest that should become liable to cross examination on the new point thus introduced. Questions put by the
जज या जूरर और असेसर। कई प्रकार से जब री एग्जामिनेशन से बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं या पुटअप किए जाते हैं असेसर से या जज से, जब आपका जूरर से कि री एग्जामिनेशन करने या एग्जामिनेशन से कोई जो फॉल्ट होता है तब, तो उसका भी एक वेटरनरी होता है, उसकी वो ड्यूटी बनती है उसको सही केस को हैंडल करने में। द जज या जूरर और असेसर में क्वेश्चन द फिटनेस एट एनी स्टेज टू क्लियर अप डाउटफुल पॉइंट्स। जो भी अगर डाउटफुल पॉइंट होते हैं तो वो एनी स्टेज पे उसको क्लियर करना चाहिए, हर स्टेज है। तो यही एक वेटरनरी की जो ड्यूटी होती है, जो वेटरनरी का एक नेचर जो चीज़ है जो एनिमल वेलफेयर के अनुसार में, उसको एक वेटरनरी की ड्यूटी। तो अपन ने जो आज जो एनिमल वेलफेयर के अंदर जो पढ़ा है वेटरनरी ड्यूटी, पेट एनिमल्स एंड कंपेनियन एनिमल्स का, उसके बारे में डिस्कस किया है कि एनिमल वेलफेयर के हिसाब से ही उसको जो एनिमल्स के साथ में पेश आना चाहिए। तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप कर सकते हैं क्लास के अंदर डिस्कस, नेक्स्ट क्लास जो भी है। तो ये जो आज अपने गया उसको डिस्कस करना है, इसके नोट्स भी मैं जो प्रोवाइड करवा दूँगा। और अभी एक दो क्लास और होंगी इसकी, यूनिट 5 की बाद में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम नेक्स्ट वो लेंगे। जो भी आपको नोट्स भी प्रोवाइड मैं साथ में जो क्लास के बाद में करवाता हूँ, जिस क्लास होती है तो उनको हमेशा देखते रहना, क्योंकि इसमें जो रूल्स और लॉज होते हैं वो एग्जैक्ट हैं। ये कुछ ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कि ये क्या है, ये टफ लगती है, वो याद भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी आपको देखना तो पड़ेगा नोट्स के अनुसार, कि मैं नोट्स के साथ दे रहा हूँ और उसको देखते रहना। तो ओके, थैंक यू।